आप भी इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं यूट्यूब के कि आपका नेक पेन, बैक पेन और उसमें जो भी डायग्नोसिस आया है, डीजनरेशन, हर्निएशन या बल्जिंग, वट एवर, क्या वो ठीक हो सकता है? क्या आप अपनी लाइफ दोबारा क्लेम कर सकते हो? हर वो एक्टिविटी जो आप छोड़ सके वो आप कर सकते हो क्या दोबारा? वेट उठाना, बेंड होना, भागना, बाइक राइड करना, है ना, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करना, अपने वर्क पे नॉर्मली जाना और लाइफ को सिंपली जॉयफुली एंजॉय कर पाना, तो वो सब आप भूल गए हो, भूल जाता है क्रॉनिक पेन में आदमी, तो सालों से आप क्रॉनिक पेन में हो। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैंने भी 6 साल से ज़्यादा के नेक पेन को क्योर किया है और बिल्कुल नॉर्मली अब फंक्शन कर रहा हूँ। हर वो एक्टिविटी जो छोड़ चुका था दोबारा कर रहा हूँ, फिजिकली वर्क, लिफ्ट, बेंडिंग सब कुछ करता हूँ और आपको भी वो मेथड बताने आया हूँ मैं जिससे लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। और एक्सेप्टेड मेथड है ये डॉक्टर जॉन सारनो का, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम की कैटेगरी में मैक्सिमम क्रॉनिक पेन वाले लोग आते हैं। तो जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं वो मेरे साथ बने रहेंगे, जो सच में हील होना चाहते हैं वो पूरा इस वीडियो को देखेंगे और जो नए हैं वो मेरे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोज़ देखेंगे जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस किया और क्या कैसे मेरी जर्नी कैसी रही और कैसे बाकी लोग भी ठीक हो रहे हैं वो सब डिस्कस किया। और जो जो रिसोर्सेज आपके काम आने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको जाना है, किस किस वीडियोज़ को देखना है, वो सब उसमें है। आज सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आपके पास जो रिसर्च एक दो पेश करने वाला हूँ, स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, जिन रिसर्च में ये बताया गया है कि जो भी आपको बल्जिंग, हर्निएशन, डीजनरेशन मेडिकल लेबल दिए गए हैं वो सब नॉर्मल लोगों में, हेल्दी जो इंडिविजुअल हैं, एसिम्प्टोमेटिक जिन्हें कोई दर्द नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, वो उनकी बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं वो सब एबनॉर्मेलिटीज़, उनको नॉर्मल एबनॉर्मेलिटी बोला जाता है। जैसे आपका एज के साथ स्किन में रिंकलिंग होना, बाल सफेद होना अनअवॉइडेबल है बट वो हार्मफुल नहीं है, वैसे ही आप बचपन से लेकर जैसे आप ग्रो करते हो 20-25 साल के होते हो तो भागते हो, कूदते हो, बैंड होते हो, डिफरेंट लोड्स एक्सपोज होता है हमारी स्पाइन, डिफरेंट लोड्स के लिए एक्सपोज होता है, तो जो डीजनरेशन, बल्जिंग, हर्निएशन है वो होना अनअवॉइडेबल है, वो होता है, कई बार हमें पता नहीं लगता कि हो चुका है। तो कई बार आपको दर्द होता है तो हो सकता है एमआरआई में 5 साल पुराना बल्जिंग हर्निएशन दिखा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है कि जो उसमें इमेजिंग आया वो आपके दर्द का रीज़न है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो अभी वीडियो छोड़ के जाएंगे मुझे पता है, और वो और कोई नई एक्सरसाइज ढूंढेंगे। सब कुछ तो आपने ट्राई कर लिया है एज्यूम, तभी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हो और आप गूगल के एआई ने, यूट्यूब की एआई ने आपको मेरा वीडियो रेकमेंड किया है। तो सारा आपने मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और डिफरेंट एक्सरसाइजेस सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है हर्बल आयुर्वेदा से लेके, तो अब इस मेथड को ट्राई करने में आपकी मतलब कोई बुराई नहीं इसमें और कोई इसका हार्म नहीं, कोई पैसे नहीं लगने आपने, यू डिज़र्व दिस चांस क्योंकि लाइफ आपकी, आपको ये क्लेम करनी दोबारा। तो बाकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो सब हमने डिस्कस किया है बाकी वीडियोज़ में और आने वाली वीडियो में डिस्कस होता रहेगा। आज का मेन पर्पस है मेरा सिर्फ वो रिसर्चेज आपके साथ शेयर करना जो हुई हैं, जो ये बताती हैं कि देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन बैक पेन, नेक पेन एंड इमेजिंग फाइंडिंग्स। जो भी आपकी इमेजिंग में चीज़ें आई हैं वो आपके दर्द की वजह होती नहीं है, दर्द की वजह होती है आपका फियर, आपका ओवरथिंकिंग, आपका स्ट्रेस, आपकी नेगेटिव थिंकिंग और आपका जो आपको विश्वास दिलाया गया है मेडिकल कम्युनिटी के द्वारा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो सब झूठ जो बोले गए हैं उसकी वजह से आप दर्द में हो। आप वेट नहीं उठा पाते क्योंकि आपको बोला गया है, तो आपको लगता है कि वेट उठाने से आपको पेन होगा, तो वो ब्रेन आपको पेन क्रिएट करके देता है। ये सब हमने बाकी वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि कैसे फियर, परसीव डेंजर, ये सब कैसे काम करता है। तो चलता हूँ मैं स्क्रीन पर, आपके साथ वो रिसर्चेस शेयर करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सर्चेज हुए हैं, मैं कुछ कुछ ग्लिम्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप पॉज करके ये सब देख भी सकते हो या गूगल पे एक कीवर्ड डाल के आप खुद भी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे सर्चेज हैं, कुछ सर्वाइकल रीज़न के हुए हैं, कुछ लंबार रीज़न के हुए हैं, कुछ नी के हुए हैं, मतलब ये स्टडी हुई हैं कि जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने जो ऑथर्स आपके नाम पढ़ पा रहे होंगे, मोरिन सी जेंसन ये सब और बाकी इनके टीम मेम्बर्स हैं, तो इन लोगों ने डिफरेंट टाइम पर, इन्होंने और बाकी प्रोफेसर्स ने भी डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट टाइम फ्रेम में रैंडम लोगों को उठा के उनके स्कैन कर दिए, एसिम्प्टोमेटिक लोगों के, जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हिस्ट्री ऑफ बैक पेन, नी पेन, नेक पेन कुछ नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक, उनके स्कैन्स किए और बाद में देखा भाई क्या इनमें भी एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती थी, तो वो रिजल्ट्स वर शॉकिंग। मोर देन 65% जो पॉपुलेशन होती है जिनको कोई सिम्टम, कोई दर्द नहीं होता है, बिल्कुल लाइफ नॉर्मली जी रहे होते हैं, उनके एमआरआईज और एक्सरेज में भी डीजनरेशन, बल्जिंग, हर्निएशन पाए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। तो यही कंक्लूड किया जाता है कि बैक पेन का होना और एमआरआईज में कुछ आना जस्ट अ कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है। तो सबसे पहली ये हुई है, इसके ये ऑथर्स हैं, रिसर्च का नाम लिखा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द लंबार स्पाइन इन पीपल विदाउट बैक पेन, ये 1994 में हुई है, 1994 की है ये, और बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। मैं आप लास्ट में एक इसी स्लाइड के लास्ट में एक पेज है, वहाँ पे गूगल का एक कीवर्ड आप देखना और उस साइट पर जाना, वहाँ पर तो अब तक के क्या कहते हैं आपका 1980s से लेके अब तक के जितने रिसर्च हुए वो सब उसमें मेंशन होंगे उस पीडीएफ में, आप उसको भी खोल के देख सकते हो। अब ये पहली रिसर्च में इन्होंने बोला कि हमने, मैं जस्ट रीड आउट करूँगा की पॉइंट्स, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना आप पोस्ट करके इसको पढ़ सकते हैं। बी परफॉर्म्ड एमआरआई एग्जामिनेशन ऑन 98 एसिम्प्टोमेटिक पीपल, इन्हें 98 लोगों पे स्कैंस किए जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे। तो हमारा इंटरेस्ट है रिजल्ट्स में, है ना, तो रिजल्ट्स में क्या पाया गया कि 36% जो थे 98 एसिम्प्टोमेटिक लोगों में से, उनको
नॉर्मल डिस्क थे सभी लेवल पे, बाकी बचे हमारे 64%। तो उसमें से क्या थे, बाकी जो थे उनमें से कुछ कुछ को कुछ ना कुछ मतलब सबको था, जैसे 52% को क्या था सब्जेक्ट्स को, 52% ऑफ द सब्जेक्ट हैड अ बल्ज, किसी एक लेवल पे बल्ज था, 27% को प्रोट्रूजन था, 1% को एक्सट्रूजन था, है ना, 38% हैड एन एबनॉर्मैलिटी ऑफ मोर देन वन डिस्क, है ना, इंटरवर्टिबल डिस्क मोर देन वन लेवल पे था, है ना, प्रीवलेंस ऑफ बल्जेज बट नॉट ऑफ प्रोट्रूजन इंक्रीज्ड विद एज, बल्जेज एज के साथ बढ़ते गए, है ना। मोस्ट कॉमन इंटरवर्टिबल डिस्क एबनॉर्मैलिटी क्या थी, स्मॉल नोड्स, जिसको हर्निएशन भी बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, 19% सब्जेक्ट में थी ये। फिर एनुलर डिफेक्ट्स थे, डिजनरेटिव डिजीज सब में थी, है ना, जिसको क्या कहते हैं आपको स्पेस कम होना भी बोलते हैं कि श्रिंक हो गई है, डिस्क डेसिकेशन भी बोलते हैं, तो सब में थी मैन और वुमेन में। कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनी पीपल विदाउट बैक पेन हैव डिस्क बल्जेज और प्रोट्रूजन। तो हाई प्रेवलेंस ऑफ दिस फाइंडिंग्स के बाद क्या कंक्लूजन निकला कि डिस्कवरी बाय एमआरआई ऑफ बल्जेस और प्रोट्रूजन इन पीपल विद लो बैक पेन मे फ्रिक्वेंटली बी कोइंसिडेंटल, मीन जिन लोगों को बैक पेन भी है और उनके इमेजिंग में कुछ आता है ये जस्ट कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि ये सब फाइंडिंग्स तो जो एसिम्प्टोमेटिक में उनमें भी थी, तो इससे आपको रिलीफ मिलना चाहिए कि आपकी इमेजिंग में जो भी कुछ आया है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो बाकी लोगों को भी है, उससे आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पेन जब क्रॉनिक हो जाती है तो वो लर्नड पाथवे हैं, वो लर्नड हुए हैं, ब्रेन ने उन पाथवेज को लर्न कर लिया है, तो उस वजह से आप पेन में हो, आप आपकी बैक में कुछ दिक्कत नहीं है, जो है वो नॉर्मली सब में होती है। उसके बाद ये फिगर वन में दिखाया गया है कि 24 साल की महिला में एक डिस्क प्रोट्रूजन है बट बैक पेन नहीं है। उसके बाद 21 ईयर ओल्ड एक बॉय है, उसको दिखाया गया है कि डिस्क बल्ज है बट नो बैक पेन। तो इसमें डेटा जो है इवेल्युएटर, दो तीन इवेल्युएटरों के बीच बांटा गया था डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ताकि बाइसिंग ना हो, तो इवेल्युएटर वन और टू के पास दोनों के पास एसिम्प्टोमेटिक सब्जेक्ट्स भी हैं और सिम्प्टोमेटिक सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये कोई दूसरी रिसर्च का है, पहले वाली का नहीं है ये डेटा, इस रिसर्च में दोनों टाइप के लोगों को लिया गया था, जिनको सिम्टम्स थे और जिनको नहीं भी थे। तो आप देख सकते हो बल्ज प्रोट्रूजन एक्सट्रूजन, ज़्यादातर बल्ज या प्रोट्रूजन एसिम्प्टोमेटिक लोगों में देखे गए, ना कि सिम्प्टोमेटिक लोगों में, जिनको सिम्टम्स से उनमें कम में ही कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी मिली, बट जो एसिम्प्टोमेटिक उन्हें मैक्सिमम में कुछ ना कुछ मिला। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि बैक में इमेजिंग में कुछ आने से पेन का होना ज़रूरी नहीं होता, कंपलसरली नहीं है। मैक्सिमम जो क्रॉनिक पेन ये सब हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ब्रेन क्रिएट करके देता है और हमारे फियर की वजह से उनको एम्पलीफाई करता है। पेन का फ्यूल है फियर, जितना आप फियर करोगे उतना ज़्यादा पेन एम्पलीफाई होगा और फिर आप उस पेन से और डरोगे, तो एक विशियस साइकिल बनता जाता है। जब तक हम एजुकेट नहीं करते, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते, अवेयरनेस नहीं देते ब्रेन को, तब तक क्रॉनिक पेन को आप बीट कैसे करोगे। इसलिए TMS में जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे या डैन के, जितने भी एलन गॉर्डन ये पेन क्रॉनिक पेन आजकल पेन रीप्रोसेसिंग थेरेपी कर रहे हैं क्रॉनिक पेन के लिए, जो ये बिलीव करते हैं कि माइंड बॉडी सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है, उन सब के वीडियोज़ आप जितने देख सकते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो पहले वाला ही पेज था, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट ये रिसर्च थी प्रीवलेंस ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इन 230 नीज। अब ये नीज़ का MRI किए गए 230 रैंडम लोगों को उठा के, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स में हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ MRI शोड एबनॉर्मैलिटी इन द मेजोरिटी, 97% लोगों के एसिम्प्टोमेटिक, उनके नीज में कुछ ना कुछ आया, है ना। तो अगर अब तक वो नॉर्मल जी रहे थे पर उनको शायद शेयर नहीं किए गए, नहीं तो उनको वहम पड़ जाता तो लोग और डर जाते, जिनको एजुकेशन नहीं कि सब होना नॉर्मल है वो तो डर जाएंगे ना कि कुछ एबनॉर्मल आया हमारे स्कैन में। तो अब इसमें क्या है, 30% नीज हैड मेनिस्कल टीयर्स, है ना, अलग अलग एंगल्स से दिखाया गया, हॉरिजॉन्टल कॉम्प्लेक्स वर्टिकल रेडियल, तो अलग अलग जगह पे उनको टीयर्स दिखाए गए। कार्टिलेज एंड बोन मैरो एबनॉर्मैलिटीज, है ना, वो कार्टिलेज का जो घिसना बोलते हैं या डीके डिजनरेट होना, वो सब भी पाया गया। मॉडरेट एंड सीवियर कार्टिलेज लीजन्स वर कॉमन इन 19% एंड 31% नीज। एंड उसके बाद सीवियर बोन मैरो एडिमा भी देखा गया। तो ये सब डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज़ है ना, लीजन्स टेंडन्स में सब पाया गया, ये सब हाई ग्रेड टेंडनाइटिस 6% नीज, तो ये सब नॉर्मल एबनॉर्मैलिटीज़ नीज में डिफरेंट टाइप की देखी गई। इन सर्चेज को आप गूगल पे देख सकते हो, डाउनलोड के PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कंक्लूजन क्या बताया गया, नियरली ऑल नीज ऑफ एसिम्प्टोमेटिक एडल्ट शोड एबनॉर्मैलिटी इन एटलीस्ट वन नीज स्ट्रक्चर ऑन MRI, किसी ना किसी एक लेवल पे तो कोई ना कोई दिक्कत थी ही थी उनको। नेक्स्ट एक रिसर्च है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स ऑन MRI ऑफ सर्विकल स्पाइन इन 1211 एसिम्प्टोमेटिक सब्जेक्ट्स। इसके ऑथर्स हैं ये सब जो लिखे हैं, हीरोइक नाकाशिमा एंड अदर्स टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे इन्होंने 1211 लोगों की जो है वो नेक रीजन की MRIs की, जिनको कोई पेन या कोई सिम्टम नहीं था, ना तो कोई क्या बोलते हैं उसको, ना कोई नर्व रिलेटेड इशू, ना कोई रेडिकुलोपैथी, ना तो कोई वर्टिगो, कुछ नहीं था उनको, ना तो स्टिफनेस थी। तो उनमें सब जब समरी बताएगी ये डेटा की, तो इसमें एज ग्रुप 20 से 70 था उनका, है ना। उसके बाद आप पढ़ पा रहे होंगे कि
यहाँ पे सारा डिस्क बल्जिंग, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी, चेंजेस अलग अलग, ये सब चीज़ें नोटिस की गई। मोस्ट सब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड विद डिस्क बल्जिंग, 87% जो लोग थे 1211 लोगों में से, देखिए आप, है ना, तो 87% दैट्स अ बिग नंबर, विच उनमें बल्जिंग थी और एज के साथ बढ़ रही थी वो। उसके बाद इवन मोस्ट सब्जेक्ट इन देयर 20s हैड बल्जिंग डिस्क, 20 साल के लड़कों, जवान लड़के लड़की में भी ये, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सब होना नॉर्मल ही है, आप उछलते कूदते खेलते हो, वो सब करते, वेट उठाते, बैंड होते हो अर्ली आप टीनहुड में, तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करता है आदमी, तो तब क्या है, उनको भी बल्जिंग डिस्क थे 20 साल में भी, विथ 73.3% एंड 78% ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा था, वहाँ 73% मेल्स थे, 78% फीमेल्स थी। इन कॉन्ट्रास्ट फ्यू ए सिम्टोमेटिक सब्जेक्ट वर डायग्नोस विद SCC, मीन्स कुछ लोगों को तो कंप्रेशन भी निकला उनके MRI में, जबकि उनको कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मली वो अपनी लाइफ जी रहे थे। उसका दिस नंबर इंक्रीज विद एज, पर्टिकुलरली आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 50 साल के बाद ये बढ़ते गए ज़्यादा, और ज़्यादातर किस रीजन में, C5 C6 पे 41% और C6 C7 27%, ज़्यादा लोड वहीं पे होता है तो वहाँ पे गारंटी ज़्यादा होता है, जो कि नेचर का पार्ट है, जैसे डिजनरेशन होता है तो आपके मसल्स टेक ओवर करते हैं, स्टिफनेस आती है, आपका बॉडी अडेप्ट करता है, उससे कोई दिक्कत होने आपको कंपलसरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये डेटा यही हमें बता रहा है कि ये सब एसिम्प्टोमेटिक थे, पर इनमें सब कुछ सारे एबनॉर्मेलिटी पाई गई इनकी MRIs में। तो कंक्लूजन क्या लिखा है, डिस्क बल्जिंग वाज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन एसिम्प्टोमेटिक सब्जेक्ट्स इवन इंक्लूडिंग दोज इन देयर 20s। उसके बाद एक ये अलग रिसर्च का पार्ट है, इसका प्रीफेस मेरे को नहीं मिल पा रहा, बट इसमें भी आप पढ़ सकते हो, 50 इंडिविजुअल्स बिटवीन 15 एंड 30 ईयर ऑफ एज, 50 लोगों को, 15 से 30 साल के लोगों को इसमें लिया गया विद नो हिस्ट्री ऑफ बैक पेन, है ना, इनको MRI की गई। तो उसके बाद इसमें क्या लिखा गया कि वेरियस एबनॉर्मेलिटीज, हर्निएशंस, है ना, एनुलर फिशर, न्यूक्लियर डिजनरेशन वर रिकॉर्डेड एंड देयर प्रेवलेंस वाज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंट्स। तो ये सब उन लोगों में भी पाया गया। इसमें रिजल्ट्स क्या है, 56% एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल वर फाउंड टू हैव हर्निएशंस, है ना, एनुलर फिशर्स और न्यूक्लियर डिजनरेशन एट वन और मोर लेवल, एक से ज़्यादा जगह पर ये सब एबनॉर्मेलिटी उनको पाई गई थी। डिस्क जनरेशन जो थी वो ज़्यादा कॉमन थी, L4 L5 के पास सबसे ज़्यादा लोगों को होता है, है ना, उसके बाद फॉलोड बाय L5 S1 डिस्क, क्योंकि उस वो जॉइंट आपके ज़्यादा यूज होते हैं, ज़्यादा लोड वेयर करते हैं, तो वहाँ पे वेयर एंड टियर होता है, और इसलिए आपको कभी कभार लाइफ में बोलते हैं ना, जिंदगी में कभी ना कभी किसी को बैक पेन होता ही होता है सबको, तो नॉर्मली लोगों को होता है तो वो इग्नोर करते हैं, ठीक हो जाते हैं, पर लोग ज़्यादा फियर करते हैं, ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, फिर वो एक्सरे MRI लूप चलता है, तो कुछ ना कुछ ये सब निकलना ही निकलना है, हो सकता है उनको 10 साल पहले भी उनकी MRI में ये चीज़ें आनी थी, पर 10 साल बाद उनको पेन हुआ और ये MRI हुई, तो वो अब और डर जाएंगे, डॉक्टर यही बोलेंगे देखो इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उतना ही पढ़ा है, उनका सिलेबस वैसे है, उनका सिस्टम वैसे काम करता है, उनको माइंड बॉडी सिंड्रोम के बारे में कुछ नहीं पता है, है ना, और पता भी होगा तो एक हड्डियों का डॉक्टर आपको क्यों बताएगा, दे विल बी आउट ऑफ देयर जॉब्स, जैसे डैन कहते हैं कि उनको तो अपना काम करना है ना, उनके बिलीफ के अगेंस्ट कोई चीज़ है जो उन्हें पढ़ा, तो वो आपको उसके बारे में क्यों अवेयर करेंगे, ये आपको खुद आपका रास्ता है, आपको खुद डेटा के बेस पे आप रीजनिंग करनी है आपको खुद, और जो हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं, हज़ारों के आप तो लाखों में आंकड़ा है, आप हीलिंग बैक पेन बुक के रिव्यू पढ़िए, उसमें ही आप गूगल और अमेजन पे उसके लाखों रिव्यू आपको मिल जाएंगे, जिसमें इतने लोग ठीक हुए हैं, 20-25 साल के पेन से उनको छुटकारा मिला है। इसका भी कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो, है ना, कि इवन इफ MRI शोज डिस्क डीजनरेशन पेशेंट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट एक रिसर्च है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऑफ इमेजिंग फीचर्स ऑफ स्पाइनल डीजनरेशन इन एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन, है ना, ये इसके ऑथर्स यहाँ पढ़ सकते हो, ये तो बहुत फेमस रिसर्च है, इसके बारे में पहले मैंने वीडियोज़ में आपसे बात की हुई है। इसमें अलग अलग 20 से लेकर 80 साल के लोगों, 20 to 80 ईयर्स के लोगों को इन्हें इकट्ठा किया इस रिसर्च में, और उसके बाद उन सबका MRI किया गया, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, 3110 एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं, है ना, जो इनके क्राइटेरियाज को मीट करते थे, और उसमें देखिए आपको लिखा हुआ है कि डीजनरेशन वगैरह और बल्जिंग ये सब इसमें कितने कितने परसेंट लोगों को देखा गया, 37% 20 साल के लोगों में, उसका 96% तक पहुंच गया, जैसे जैसे एज बढ़ाते गए हम डिस्क डीजनरेशन, वैसे बल्जिंग भी 30% से 84% बढ़ती गई जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मींस एनुलर फिशर ये सब कुछ, और ये सब एसिम्प्टोमेटिक थे, और ये चार्ट दिखाता है, इस चार्ट को आप जूम पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ये इसी स्टडी का चार्ट है, कि ये वहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस पे एज दी गई है और वाई एक्सिस पे सारे वो दिए गए हैं, एबनॉर्मेलिटीज, डीजनरेशन लॉस, डिस्क हाइट लॉस, बल्ज प्रोट्रूजन, है ना, ये सारे दिए हुए हैं, किस किस एज को कैसे कैसे कितना परसेंटेज, किस जो 3000 कुछ लोग ऊपर स्कैन किए गए, तो ये उनका डेटा है कि ये सब एबनॉर्मेलिटीज़ उनमें देखी गई। उसके बाद ये बहुत सारे रिसर्चेज हैं, ये देखिए ये रिसर्च है, इसका सिर्फ मैंने स्क्रीनशॉट, इसको आप पढ़ सकते हो, इसके ऑथर एंथनी, है ना, उसके नीचे ये है वो स्पाइनल पैथोलॉजी इन द एसिम्प्टोमेटिक पीपल, टेक्सस पेन सोसाइटी की साइट पे आपको ये PDF मिल जाएगा, इसमें 1984 से लेकर अब तक जितनी रिसर्चेज हुई हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद कुछ कोरिया की रिसर्चेज हैं, वो भी आपको शेयर करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे कोरियन
लोगों पे रिसर्च हुआ, जैसे ये वाला है डिस्क डीजनरेशन एसिम्टोमेटिक कोरियन सब्जेक्ट्स लंबार स्पाइन का, तो इसमें वही चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को पाए गए, देखना प्रीवेलेंस ऑफ हर्निएशन भी आ रहा 81%, 76% में एनुलर फिशर्स, 75.8% में न्यूक्लियर डीजनरेशन, ये सब पाया गया सभी सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ ये लिखा है कि ये सो ऑल लंबार डिस्क डीजनरेशन आर नॉट पैथोलॉजिक स्पेशली इन चिल्ड्रन एडोलसेंट, ये सब की सब में इवन चिल्ड्रन में भी आपको कई बार देखने को मिल जाती हैं चीज़ें, और इनका पेन से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ये लंबार का है, और ये दूसरा टैब में आपको सर्वाइकल स्पाइन का देखने को मिल जाएगा कोरियंस, उसमें ये देखिए कोरियन सब्जेक्ट्स पार्ट टू सर्वाइकल स्पाइन की स्टडी है ये। यहाँ पे भी देखिए एमआरआई शोड अलग अलग 102 लोगों को इसमें लिया गया था, 50 मैन थे 52 वुमेन थी, तो ये रिजल्ट देखिए इसमें, यहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिलेगा कंक्लूजन, यहाँ पे भी 81% को हर्निएशंस थे, 85% को एनुलर फिशेस थे, है ना, हु वर नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स, और जो जिन लोगों ने स्टडी किए उनको सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि ये सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक्स हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे रिसर्च आपको देखने को मिल जाएंगे जब तक हुए हैं, इससे यही प्रूव होता है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर इमेजिंग फाइंडिंग्स, आपका जो दर्द का वजह है वो आपका ब्रेन है, यही आपको पेन क्रिएट करके दे रहा है और यही आपको ठीक भी करेगा। प्रॉपर एजुकेशन और एश्योरेंस आपको देना है, फियर को कम करना है ना, सिम्टम्स को ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस के साथ जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, जस्ट लाइक ट्रेनिंग अ पेट, जैसे एक छोटे पेट को आप ट्रेन करते हो अलग अलग पेशेंस के साथ, डे बाय डे वो अडेप्ट करता है, सीखता है, वैसे आपका जो ब्रेन डरा हुआ है, नर्वस सिस्टम फियर में है, उसको आपको एजुकेट करना है कि इट्स नॉट डेंजरस, कोई एक्टिविटी डेंजरस नहीं है, इमोशंस को फील करना है आपको, प्रेजेंट जो इमोशंस है उनको सप्रेस नहीं करना है, फील देम, तो जैसे आप इमोशंस को फील कर रहे हो ब्रेन को लगता है कि ये आपके लिए डेंजरस नहीं है, ये तो इजीली फील कर रहा है, तो सिम्टम्स से आप घबराओगे नहीं, तो ब्रेन को ये भी मैसेज आता है कि ये तो चिल कर रहा है, तो सिम्टम्स से डर नहीं रहा, तो उन सिम्टम्स को मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो एक टाइम के साथ ग्रेजुअली ये चीज़ें होती हैं, और ट्रस्ट मी यू विल बी फाइन। आप देखते रहिए सारे वीडियोज़ मेरे, डैन के, डॉक्टर सारनो से रिलेटेड वीडियोज़ देखिए, पढ़िए, जितना एजुकेशन ले सकते हो आप, ये कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो ज्वाइन करिए, वहाँ और भी लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम हमारा एम है इंडिया में ये कंसेप्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, जिन क्रॉनिक पेन सफर जिनको इसकी नीड है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है माइंड बॉडी सिंड्रोम के बारे में, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट लेते फिर रहे हैं और फिर भी पेन में है, तो ये सब आप सबकी, हमारी सबकी एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप यू हेल्थ, आई होप यू हीलिंग, आप बहुत जल्दी ठीक होंगे, और ऐसे आपके साथ नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं शेयर करता रहूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।